أمة الإسلام أمركم الله بالتعديل بأولادكم والإحسان إلى نسائكم والبر إلى والديكم وبإصلاح ذات بينكم. और नाफरमानी की शक्ल में जो आएंगे उसका भुगतान कौन भुगतेगा? झूठी कसमें खा खा कर कहते हैं कि ये ऐसा माल है, ये ऐसी चीज है, याद रखिए ये हराम है। हराम का एक लुकमा अगर पेट में जाएगा, जब तक वो जहन्नम में नहीं जलेगा, जन्नत उसके ऊपर हराम होगी। जाइए सूद अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के मुतराजिब है। आप यकीन मानिए, सूदी लेन देन करने वाला आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों तबाह हो जाएगा। ये कारोबार सही नहीं है। आप किसी को दे रहे हैं 2 लाख रुपए और उस पर मनफान लेते जा रहे हैं, नफा ले रहे हैं। हर महीने 500 दीजिएगा, 1000 दीजिए, ये कहां सही है? क्यों लेते हैं आप? ये हराम नहीं है, ये सूद है, ये बड्डी है। बैंकों की बड्डी के ऊपर तो नजर है, इस बड्डी पर नजर नहीं। कितने हो हमारे मामलात हैं, आप पूछे रमा से। निजाम का चलाना और उसके ऊपर कायम रहना यह आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अपने घर के निजाम को सही कीजिए। घर के अंदर औलाद की तरबियत बिल्कुल न होने के बराबर होती जा रही है, इतनी दूरी औलाद की होती जा रही है इस मोबाइल ने और इस तरह के नेटों ने और तरह तरह की चीजें जो नई इजादात के नाम से सामने आ रही हैं। अल्लाह की पनाह, आप जानने वाले जानते हैं इसके अंदर क्या क्या खुराफातें पैदा हो रही हैं। कैसे कैसे अपने फोटो लेकर, औरतों के फोटो उस पर लाकर क्या क्या किया जा रहा है, और कैसे कैसे कितने शर्मनाक और इज्जत को पामाल करने वाली चीजें हो रही हैं। हमारे नौजवानों, इसकी तरफ तवज्जो देने की आपको भी जरूरत है। अपने बच्चों को बचपन से दीनी तरबियत करने की जरूरत है। ये सब तरबियत के फुकदान से होता है, तरबियत न होने की वजह से। आज सबसे बड़ा मसला है इतिहाद और इत्तेफाक का। हमने बड़ी तफसील मुद्दे में आज की है। जिस मिल्लत का शियार इत्तेफाक और इत्तेहाद था, उसमें रखना पड़ता जा रहा है, उसके अंदर ढीलापन आता जा रहा है, और हमारी कुव्वत और हमारी हमारा इत्तेहाद ये पाश पाश होता जा रहा है। इसलिए हो रहा है, हम अपनी राय को आगे रखते हैं, हम अपने मफाद को सामने रखते हैं, हम दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं, और जो सही और इस्लाम कहता है उस पर नजर बाद में जाती है। पहले कहते हैं मेरा मकसद पूरा हो, आपका मतलब पाली रहा। आप और हम जब तक मुत्तहिद नहीं रहेंगे, याद रखिए कभी बला और नजात ना मुमकिन। आप अपना एक रहबर और अपना कायद और अपना एक ऐसा इंसान जिसको अगर आप तस्लीम करते हैं शरीयत की इस्तेलाह में, आजी जो आपका सरबराह होता है, दीनी एतबार से आपका सबसे बड़ा अहदे पर पारिज होता है, उसकी बात का मानना आप फर्ज समझिए। इससे पैसे होंगे और कल को फिर होने के कोई फायदा हासिल नहीं होगा। इसलिए खुदारा खुदारा जिस इतिहास को कायम करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफें उठानी पड़ी, और यहां तक हक ताला ने फरमाया था लव अनफक्ता मा फिल अर्ध जमीअन मा अनफक्ता बैन कुलूबिहिम, अगर ऐ पैगंबर दुनिया जहां की सारी दौलतें इनको इनके दिलों को मिलाने के लिए आप खर्च करते, तो आप ये इनके दिलों को जोड़ नहीं सकते थे। बात नहीं कर रहा हूं अल्लाह के लिए मुखलिस बनकर कह रहा हूं, खुलूस का नतीजा इंशाअल्लाह अच्छा निकलेगा। इसलिए आपस में मुत्तहिद बनकर मुत्तफिक बनकर हम सबको रहना है, और एक अल्लाह के हुक्म पर अपनी जिंदगी को गुजारना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करना है। आज बड़ी कमी महसूस हो रही है। हमारा घोड़ा हुआ वकार हक ताला दोबारा नसीब फरमाए, ये हमारी दिली दुआ है। बुजुर्ग और भाइयों, इस घोड़े हुए वकार को वापस लाने के लिए एक ही राह है, एक ही तरीका है, वो है
था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रहेगा। इससे हटकर अपनी जात को सामने रखकर, अपने बाप को सामने रखकर, किसी पर ताना करते हुए या किसी तरह की कोई बात को बहाना बनाकर अगर हमने इस राह को छोड़ दिया, यकीनन दोनों जगह पर नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। और फिर मना रहे हैं और बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से खुशियां हैं और सआदत की बात है, लेकिन हमारे कितने भाई आज किस किस दर्द और तंग में तड़प रहे होंगे। आज के दिन आप उसको जरा याद कीजिए, क्या हाल बना दिया परमा का, क्या हाल हो गया आसाम का, और क्या हाल हो गया आप जरा देखिए कि बरेली का, और दुनिया के किसी भी हिस्से का जहां अल्लाह के नाम लेने वाले जिंदा हैं वहां क्या क्या किया जा रहा है, जुर्म क्या है। इंतेमाम सिर्फ इस पर है कि वो अल्लाह का नाम लेते हैं। अल्लाह के नाम लेने पर इतनी सख्त सजा दी गई, हजारों नहीं लाखों को तहे तेज कर दिया गया, लाखों को जिंदा जलाया गया, और क्या क्या किया गया क्या क्या नहीं किया गया आपके सामने सारी चीजें मौजूद है, तफसीलात जानते हम जाना नहीं चाहते। इस मौके पर इसका एहसास होता है, एहसास हमारे अंदर में हो कि अल्लाह के कितने बंदे तड़प तड़प कर इस ईद को मना रहे हैं, उनको सही माने में खुशी नहीं हो रही है, उनको राहत अता फरमा, सुकून अता फरमा, आगे अता फरमा, उनके बाल बच्चों का अच्छा फरमा, हर तरह से उनको खैर और आफियत से सेहत याब बना दे, उनके डर को और उनकी परेशानियों को तुम दूर फरमा दे, और फिर अपने लिए भी आफियत की अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तेरा एहसान है, शुक्र है कि तुम्हें आफियत अता फरमाई। इस तरफ भी तवज्जो की जरूरत है। और एक चीज और आपको बताया, पहले ही वहां ने हंगामा कर रहे हैं और इतने ही पर इत्तिफा नहीं करते हैं, जो मुझे बताना अब मैं आज कर रहा हूं कि मुश्रिकीन के पास जाते हैं, गंदे आमिलीन के पास जाते हैं और तरह तरह की हरकतें ऐसी ऐसी करते हैं कि जिससे ईमान रुस्सत हो चुका होता है और ये नाम के मुसलमान बनकर रहते हैं। ये बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है। इस तरह की गलत चीजें हमारे माशरे में कभी हम लोगों ने बचपन में नहीं सुनी थी। अच्छे लोगों के पास जाइए, उनसे दुआ कराइए, उनसे दम कराइए, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन ये क्या तरीका है, थोड़ी सी तकलीफ आ गई, अब जा रहे हैं मुश्रिकीन के पास, जा रहे हैं गलत लोगों के पास और तरह तरह की वो ईमान सोच हरकतें करते हैं कि जिसको मैं किस जगह पर खड़े होकर आपको बयान करना मुनासिब नहीं समझता। सामने रुजू करें कि जो गलती हो गई माफ करना, नहीं करूंगा। सबर कीजिए, सबर एक और बड़ी नियामत है और इस सब पर अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, और थोड़े से मुद्दत के बाद फिर अल्लाह सब को बलिया बनाकर रहमतों का फैसला। इन्नम अल उस्री युस्रा, हर दो हर तकलीफ के बाद युस्रा और रहमतें आती हैं।